और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया, 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं हैं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है? जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से GST, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे हो गए आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं। यहाँ नौजवान हैं सारे, उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, जो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है, पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हों। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 2022 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जो जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है,
उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला नहीं चला ना? सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ आपको, मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है। नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है? तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है। आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भैया देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो, जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। ये न्याय यात्रा है राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं, और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं।